हाय एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा, सॉरी वर्ल्ड सीरीज चैंपियन ऑफ पाकिस्तान, और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक्सक्लूसिव कार रिव्यूज, कार न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड माय पर्सनल फेवरेट ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस टेस्ट। यस, आई एम गोइंग टू पुश द कार टू द लिमिट्स फॉर यू, सो गियर अप। जब भी आप बड़े कार ब्रांड्स के बारे में सोचते हैं तो चंद नाम आपके जहन में ज़रूर आते हैं, जैसे कि लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, पोर्शे, बेंटले और ऑडी। नो डाउट दीज आर जायंट्स इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इनसे भी बड़ा जायंट मौजूद है, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल्स कार, जिसको आप सब जानते हैं वॉक्सवैगन के नाम से। जी हाँ, वॉक्सवैगन इज़ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन होल ऑफ यूरोप। वॉक्सवैगन इज मेकिंग कार सिंस 1937, और जिस कार ब्रांड के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो भी वॉक्सवैगन के अम्ब्रेला के नीचे ही आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑडी A4 2017 मॉडल, एंड नाउ लेट्स सी इफ दिस प्रेस्टिजियस ब्रांड लिव्स अप टू इट्स लेगेसी। And it is here, the famous car with the four rings. इस लोगो की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ। This was a merger between four companies, DKW, Audi, Wanderer and Horch. You can see this is a very famous logo all around Pakistan. As far as the general look is concerned, this car has a very elegant look. इसी वजह से corporate world में बहुत ही पसंद की जाती है। इस गाड़ी में दी जा रही हैं xenon headlights जो के हैं with DRLs, and by the way Audi is trendsetters in DRLs. DRLs की वजह से Audi ने अपना बहुत नाम बनाया, और जहाँ तक इसकी front की बात है, it has a huge grill. जितनी इस गाड़ी की competitor class है उसमें ये आप देख सकते हैं इसकी front grill almost ऊपर से लेके नीचे end तक जा रही है। Coming to the front bumpers, it has headlight washers placed here by a press of a button. आप गाड़ी के अंदर बैठे गाड़ियों की हेडलाइट वॉश कर सकते हैं, और यह पार्किंग सेंसर्स हियर। उसके अलावा आपको 17 इंच व्हील्स दिए गए हैं जिसके अंदर ऑडी का साइन अवेलेबल है। यू हैव इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल मिरर्स, और ये मिरर्स हीटेड भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा गाड़ियों में आपको नहीं देखने को मिलते। और इट हैज़ ब्यूटीफुल कैरेक्टर लाइन्स ऑन द साइड, वन इज़ गोइंग फ्रॉम फ्रंट टिल द बैक, दिस वन एंड अनदर वन गोइंग राइट हियर। और इसके इट इज़ अ कीलेस एंट्री जो कि बड़े ही आराम से इसका पुल अप करके आप दरवाज़ा खोल और बंद कर सकते हैं। और कमिंग टू द बैक ऑफ द कार एंड इट्स बैक लाइट्स कंसिस्ट ऑफ लावा एंड LED। और अगर आप 2022 की सिविक देखें, होंडा सिविक, तो उसकी गाड़ी की बैक लाइट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं A4 और A3 से। ओपनिंग अप द बूट नाउ, इट ओपन्स अप विद अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन, हियर इट गोज। और मैं आपको इसका एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ जो कि हमारी आवाम में बहुत कम लोगों को पता है। हेयर यू हैव इन द बूट, और ये आप देख सकते हैं कि ऑडी दे रहा है आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टिव वार्निंग ट्रायंगल जो कि आप बड़ी ही आसानी से खोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका यूज़ नहीं पता। अगर आपकी कहीं गाड़ी हाईवे वगैरह पर ख़राब हो गई है तो इसको आप बड़ी आसानी से खोल के अपनी गाड़ी के पीछे रख सकते हैं ताकि ऑन कमिंग ट्रैफिक को पता चल जाए कि देयर इज़ अ स्लो ट्रैफिक अहेड, और आप कोलिजन अवॉइड कर सकें। इस गाड़ी की बूट कैपेसिटी है 480 लीटर्स, और इसकी बैक पे भी आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इट हैज़ अ सिंगल एग्जॉस्ट और रियर रिफ्लेक्टर्स एज वेल। इस गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी है 54 लीटर्स, और इट्स टाइम टू सी व्हाट्स अंडर द हुड। नाउ कमिंग टू द इंजन ऑफ द कार, लेट्स सी व्हाट इट हैज़। Hydraulics on the hood, that's a standard in these kind of cars. It has a four-cylinder inline 1.4 engine which is capable of producing 150 horsepower. Torque thodi kam hai jo ke hai 250, 1.4 engine hone ki wajah se, and I can't wait to try these horses on the track.
एंड कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द कार, वो जो कहते हैं कि ऑडी इज़ नोन फॉर इट्स एलिगेंस, इसके अंदर बैठते ही आपको पहली चीज़ जो फील होती है वो एक प्रीमियम टच है, वुडन पैनलिंग इधर हुई हुई है और आपको एलिगेंस वाकई गाड़ी में बैठ के फील होती है। इसका पुश स्टार्ट बटन बड़ी अनकन्वेंशनल जगह पे दिया गया हुआ है, वो के लेफ्ट साइड पे है। लेट्स स्टार्ट इट अप। और ये बड़े मज़े की बात है कि इसका ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है फॉर द पैसेंजर सीट एंड द ड्राइवर, और पीछे बैक सीट बैक पैसेंजर्स के लिए भी इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया हुआ है। और इसकी मैं बात करूंगा गियर नॉब की, जो कि बहुत ही कन्वीनियंटली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और इसका जितना इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो गियर के बिल्कुल बाद एक डायल है जिससे आप पूरा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, और आपको अपना हाथ नॉट इवन अ सिंगल इंच इधर से उधर करना पड़ता है। साथ ही आप गियर चेंज कर सकते हैं और इसका पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इसमें 6 एयर बैग्स हैं और बैंग एंड ऑल्फिसन का साउंड सिस्टम है, जो कि इसके साइड पैनल्स के अंदर भी स्पीकर्स दिए हुए हैं। इसका स्टैंडर्ड सनरूफ है और इसके अंदर नॉट एग्जैक्टली एम्बियंट लाइटिंग, लेकिन रूम लाइटिंग आप कह सकते हैं, विच इज़ अ सिंगल टोन। और इस गाड़ी में पूरी जो लाइटिंग इंटीरियर की है वो वाइट कलर में है, और इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सीट्स दी गई हैं, जो कि शुक्र है जो पाकिस्तान में ऑडी लॉन्च हुई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट स्टैंडर्ड थी। बहुत सारी प्रीमियम गाड़ियां हम लेते हैं लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और उसके अलावा जहां तक बैक सीट्स की बात है, उसमें लेग स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन समटाइम इट इज़ शोफर ड्रिवन कार, समटाइम इट इज़ नॉट। और जहां तक डिटेल की बात है, मुझे इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल का डायल है उसमें ये इतनी फाइन डिटेल में ऑडी वालों ने काम किया है कि इसकी आई लव द क्लिकिंग साउंड दैट इट मेक्स, जस्ट हियर इट। एक छोटी छोटी डिटेल्स के साथ आप गाड़ी के अंदर बैठ के तो आपको फील होता है कि वाकई गाड़ी में डिटेल में बहुत काम किया हुआ है। और एक सेफ्टी फीचर, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम सामने दिया गया है उसको ऑफ करने के लिए एक डेजिग्नेटेड बटन अलग से दिया गया है, जो कि ऑन द राइट साइड है। किसी भी टाइम इफ़ यू फील डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्रीन, आप इसको प्रेस करके इस स्क्रीन को कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं। लेट्स गो टू द ड्राइव अराउंड ऑफ द कार एंड लेट्स सी हाउ इट गो। पहले तो हम जनरल ड्राइव की तरफ जाएंगे और उसमें मैं कहूँगा सीट बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज वेयर अ सीट बेल्ट वेन एवर यू आर ड्राइविंग। और सबसे पहले बल्कि एक सेकेंड मैं इसका इनिशियल रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ, लेट्स सी। इट इज़ गुड, लेकिन स्टार्टिंग में बिकॉज इट इज़ अ 1.4 टर्बो चार्ज इंजन, तो छोटे इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम होता है जो टर्बो हैं स्पेशली, कि उनके अंदर लैग, टर्बो लैग आता है। तो इसका बिल्कुल जो इनिशियल रिस्पॉन्स है, कम्फर्ट मोड की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने इसको स्पोर्ट मोड पर नहीं चलाया, थोड़ी देर में लैप टाइम जब मैं करूँगा तो इसको डेफिनेटली स्पोर्ट मोड में भी पुश करूँगा। तो इनिशियल रिस्पॉन्स इसका थोड़ा सा स्लो है, इट इज़ 150 हॉर्स पावर, जो कि इस कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छी हॉर्स पावर है, लेकिन जहाँ से गाड़ी थोड़ी सी मार खाती है वो है इसका टॉर्क। टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रही है 250, जो कि अगर इसकी जो कंपेटिटर क्लास जैसे BMW थी, दैट इज़ प्रोड्यूसिंग 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो इसीलिए इसका इनिशियल रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जब इसका टर्बो लैग ख़त्म होता है तो उसके बाद इसकी पिक से आपको ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। अच्छा, इस गाड़ी की सबसे इम्प्रेसिव बात जो मुझे लगी है वो इसकी रोड नॉइज़ है, जो कि बहुत ही कम है। इसकी अगर कंपेटिटर क्लास में आप देखें तो BMW या सी क्लास के कंपेरिजन में इसकी रोड नॉइज़ बहुत कम है, और ये गाड़ी बनी ही कम्फर्ट ड्राइव के लिए, इट इज़ नॉट बिल्ट फॉर पुशिंग। वो तो हम इसको पुश करके देखते हैं कि अगर पुश किया जाए तो ये गाड़ी कहाँ तक जाती है। और इट हैज़ अ टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील, जो कि दो साइड पे मूव करता है, अंदर बाहर भी होता है और ऊपर नीचे भी होता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। उससे आपकी ड्राइविंग पोजीशन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इस गाड़ी में ये भी एक अच्छी बात है कि लेदर सीट्स आर अ स्टैंडर्ड, जौन सा मर्जी वेरियंट लें। पाकिस्तान में सिर्फ 1.4 वेरियंट आ रहा है ऑडी का 2017 में, तो लेदर सीट्स जो हैं वो स्टैंडर्ड है। इस गाड़ी के इन्होंने 4 ड्राइविंग मोड्स दिए हैं, जो कि द फर्स्ट वन इज़ कम्फर्ट, जिसमें हम अभी गाड़ी चला रहे हैं, जिसमें सस्पेंशन विल बी एट इट्स सॉफ्टेस्ट।
तो गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन रोड कंफर्ट जो है वो आपको बहुत मिलेगी। कंफर्ट के बाद ऑटो है, जो कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल के लिहाज से इसकी ड्राइविंग मोड्स एडजस्ट होते हैं। डायनामिक है फॉर स्पोर्टिंग, और जो मुझे एक बड़ा इसका इंटरेस्टिंग मोड लगा है वो है इंडिविजुअल मोड, जिसके अंदर आप सेपरेटली इंजन गेयर बॉक्स की सेटिंग भी स्पोर्ट या कम्फर्ट में कर सकते हैं, और स्टेयरिंग व्हील को भी कंफर्ट या स्पोर्ट मोड में कर सकते हैं। इससे आपकी स्टेयरिंग व्हील की हार्डनेस जो है वो चेंज होगी, और अगर आप उसकी स्टेबिलिटी गाड़ी की मोड्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज होती है। कंफर्ट में तो हम चला के देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम इसको स्पोर्ट मोड में लैप टाइम के लिए भी इसी ट्रैक पे पुश करेंगे। देखते हैं ये गाड़ी इस ट्रैक पे क्या लैप टाइम करती है। इस गाड़ी की सस्पेंशन बहुत ही रिलायबल है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ये गाड़ी सस्पेंशन वाइज आपको बिल्कुल तंग नहीं करती, चाहे आप कंफर्ट पे चलाएं या स्पोर्ट पे चलाएं। और जहाँ तक इसकी मेंटेनेंस की बात है, इसका ऑयल चेंज ऑब्वियसली जर्मन गाड़ियों का थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसका ऑयल चेंज आपको रफली अराउंड 30,000 में आपको इसका एक टाइम का ऑयल चेंज कॉस्ट करता है, और लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो इट इज़ नॉट फॉर 5,000 किलोमीटर्स, इट इज़ फॉर एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर्स। और इसकी माइलेज आप अगर इसे प्यार से चलाएंगे तो इसकी माइलेज आपको आराम से अराउंड 10 किलोमीटर्स पर लीटर आ जाएगी। 1.4 इंजन होने का फ़ायदा ये है कि छोटा इंजन है, अगर आप इसका टर्बो ऑन नहीं करते तो इसकी कंजम्पशन बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर आप इसका टर्बो ऑन करते हैं ऑब्वियसली फिर तो गाड़ी तेल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगी। और इसकी जहाँ तक पेट्रोल की बात है कि कौन सा पेट्रोल इसमें यूज़ होता है, तो इसमें इस गाड़ी में जितनी टर्बो गाड़ियाँ हैं, मैं स्पेशली कहूँगा सारी ऑडियंस को जिनके पास टर्बो गाड़ियाँ हैं कि नेवर गो फॉर स्टैंडर्ड फ्यूल, इनके अंदर हाई ऑक्टेन फ्यूल ही डलता है। और 1.4 गाड़ी के अंदर तो स्पेशली आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डलवाना चाहिए, क्योंकि ये छोटे इंजन से टर्बो के थ्रू ट्यून करके ज़्यादा हॉर्स पावर निकाल रहे हैं। इस गाड़ी के सबसे स्पोर्टी फीचर है इसके पैडल शिफ्टर्स, और बड़ी देर से मेरी उंगलियां पैडल शिफ्टर्स की तरफ जा रही हैं क्योंकि हम एक रेस ट्रैक पे कंफर्ट मोड में गाड़ी चला रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर में इस गाड़ी को लैप टाइम के लिए पुश करेंगे, और आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि यू विल नेवर ट्राई दिस एनीवेयर, और दिस इज़ अ प्रॉपर रेस ट्रैक, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर अ लैप टाइम विद proper safety precautions. So let's push the car to the limits. I'm all geared up to test this car on the track, aur main is gaadi ko teen categories mein test karne ja raha hu, and first is going to be a lap time, so let's see how the car performs. Hi guys, I'm going for a lap time. Let's see how this one goes. 3, 2, 1, go! It's slow on the launch, but when the turbo kicks in, it is fast. No doubt. Oh! It is a double right. And oh, hitting all the apexes. गाड़ी अंडरस्टेयर कर रही है बहुत ज़्यादा. ओके, लेकिन गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत बेहतर है. अगेन लूजिंग द एंड. टर्न्स के स्लो टर्न्स के एग्जिट पे गाड़ी टर्बो लैग की वजह से उस पेस पे नहीं उठ रही. ओके, लेकिन गाड़ी बहुत
And the double drive. This is my favorite turn. Okay, okay, okay. It was a very exhausting experience. लेकिन मुझे मज़ा आया. गाड़ी क्या टर्बो लैग है और उसकी वजह से गाड़ी स्लो टर्न्स के ऊपर दोबारा स्पीड पकड़ने में काफ़ी टाइम लगा रही थी. लेकिन कॉर्नरिंग स्पीड गाड़ी की बहुत अच्छी है और जी फोर्सेस की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका है. दैट वॉज टेस्ट नंबर वन और अब मैं करने जा रहा हूँ ब्रेक टेस्ट. दैट्स गोइंग टू बी द टेस्ट नंबर टू. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. Coming to the third and most anticipated test of today, which is going to be 0 to 100. इस टेस्ट की खासियत ये है कि पूरी दुनिया में इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है. सारे कार एंथूजियस्ट इसी बेसिस पे गाड़ियों को कैटेगराइज करते हैं कि वो 0 to 60 या 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर कितनी देर में जाती हैं. तो स्टेप वन इज़ गोइंग टू बी आई एम गोइंग टू पुट दिस कार इनटू मैनुअल. ओके एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. टॉर्क थोड़ी कम है लेकिन टर्बो इज किकिंग इन नाउ एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर. यस फाइनली वी हैव द रिजल्ट्स फॉर 0 to 100 एंड इट इज नॉट वेरी इंप्रेसिव. 1.4 इंजन होने की वजह से इसका इनिशियल रिस्पांस जो है वो थोड़ा स्लो है लेकिन अनटिल द टर्बो किक्स इन देन यू गेट द फील एंड द पावर. आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टेस्टिंग दिस ऑडी A4 ऑन द ट्रैक. और इसके छोटे छोटे ड्रॉबैक्स तो हैं क्योंकि ये है 1.4 लीटर और इट इज़ नॉट द फास्टेस्ट कार इन इट्स क्लास. लेकिन जहाँ कम्फर्ट की बात है यू कैन से ये कंफर्ट के अंदर अपनी क्लास के साथ डट के मुकाबला करती है. एंड कमिंग टू द क्लोजिंग ऑफ द शो इट्स टाइम फॉर द ड्राइवर टिप ऑफ द डे. बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त अप नॉर्थ जा रहे हैं तो मैं स्पेशली उनसे कहूँगा कि अप नॉर्थ जाने के लिए 2-3 रूल्स हैं जो आपको अपने पल्ले बांध लेने चाहिए और उनमें से एक ये है कि जब भी आप डाउन हिल आ रहे होते हैं तो प्लीज़ यूज़ इंजन ब्रेकिंग. अपनी ब्रेक्स पर ज़्यादा लोड मत डालें ताकि वो बहुत जल्दी हीट हो जाती हैं और ब्रेक फेल होने का ख़तरा होता है. इस तरह आप अपनी ब्रेक्स को भी बचा सकते हैं और ब्रेक के वेयर एंड टेयर को भी बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं. और सेकेंडली कीप योर लेन. हमारे अप नॉर्थ में ड्यूल कैरेजेस वे बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो इसका एक बेसिक थंब रूल होता है कि आपको अपनी लेन मेंटेन करनी होती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ड्राइव सेफ अराउंड पाकिस्तान एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गियर अप.